हेलो मिस्टर, फाइनली बैक टू विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, खैर खैरियत से होंगे और एंजॉय करके अपनी लाइफ को। अगर एंजॉय करके दबा दो, तोड़ दो, फोड़ दो, गाड़ दो लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन। सब्सक्राइब कर दोगे तो आने वाले ब्लॉग की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, बट ये खैरियत चलेगा। फिर अभी सीन कुछ ऐसे कि मैं भी थोड़ी देर पहले सो गए हूँ और मम्मा पापा कह रहे हैं कि आज चलते हैं मार्केट, वहाँ से जाके एक डॉग लेके आते हैं। जो मेरा पहले था वो यार रात को गुम हो गया, मैं रात को घंटे क्लब गया हूँ, मेरे गेट खुला रह गया, गेट बंद नहीं करा मैंने, तो वो कहीं बाहर निकल गया। बाहर निकल कहाँ गया किसी को भी नहीं पता, बहुत ज़्यादा ढूंढा, बहुत सवारी करी, नहीं मिला वो। तो देखिए नाश्ता करते हैं, आवाज़ें आ रही होंगी, बात शोर हो रहा है नाश्ते का, देखता हूँ मैं क्या बना रही है। तो मम्मा भी कबाब और नाश्ता बना रही, नाश्ता करते हैं निकलते हैं, मुझे भूख ही लग रही, मैंने नाश्ता भी नहीं करा हुआ और टाइम भी हो रहा है, मेरे 4 बज रहे हैं, 5 बजे तक मार्केट बंद हो जाएंगे, 1 घंटे के अंदर पहुँचना होगा दिल्ली जाने। भाई नाश्ता बिल्कुल रेडी है बन के, नाश्ता करते हैं फटाफट निकलते हैं, देर मेरी ऐसे हो रही है और मैं ज़रा फटाफट जल एलिमेंट मारूँ, नाश्ता करूँ। मज़ा आया भाई, जल्दी कर ले, देर हो रही है यार। मुझे तो नाश्ता पर सही मैं नहीं करता हूँ, मैं नहीं चलता, चल नहीं चल, निकल ले, कर ले, कर ले, कर ले, कर ले यार, कर ले नाश्ता, कर ले भाई, मेरे से ज़रा कुत्ता भी आ रहा है यार इनको। कुत्ते कभी से ऐसे कर रहे हैं, नाश्ता नहीं करने दे रहे मुझे, जल्दी कर दिया मैंने, मुँह हाथ भी धोना है अभी तक, ऐसे ही बैठा हुआ मैं। खास कैसे करूँगा, बंद करता हूँ भाई। नाश्ता वगैरह भी कर लिया मैंने और अब चलते हैं डोगी लेने के लिए, छोटा सा प्यारा से लेकेंगे। भालू की वाकई याद दो ऐसे बहुत आ रही है, पर खैर जो होना तो हो गया, अपनी गलतियाँ हैं, लेके आते जाके नया। भाई जानवरों की मार्केट में आ गए और यहाँ पर कितने प्यारे प्यारे हैं यार, ये चेक करो भाई, कुत्तों के साथ कुत्ता एक और मिल गया भाई, इसकी आईज बहुत प्यारी है, इसकी आईज चेक करो, वाओ भाई। मैं बोल रहा हूँ, तेरे बोलने की क्या जरूरत है, मैं बोल तो रहा हूँ। कैट कितनी क्यूट है यार, भाई कपड़ा गीला करके लाइए यार, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम मेरे हेटरो की तरह भौंक रहे हैं, बात तो सही है। और ये मेरे रिश्तेदारों की तरह, अरे बस कर भाई, और पागल कर दे, पीछा छोड़ दे। हाँ भाई क्या हो गया है, क्यों शोर कर रहे हैं, कुछ रिश्तेदार मेरे यहाँ पर कितने सारे हैं, देखो जो बुरे रिश्तेदार हैं वो हैं यहाँ पर, टेंशन मतलब अच्छे वाले नहीं, अच्छे वाले रिश्तेदार सारे यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर इतना सुकून, बुरे वाले सारे के सारे यहाँ पर, गजब बेइज्जती है यार। मुझे समझ नहीं आ रही कौन सा लड़े यार इनमें से, कोई डिसाइड ही नहीं हो रहा, इतने प्यारे प्यारे इतने सारे, ये भी अच्छा है। ओ जुल्फे, ओ जुल्फे, मेरे को एक येला पसंद आया, एक ये अच्छा लगा और एक पापा के हाथ में बोला प्यारा है। फाइनली यार एक पसंद आ गया, वो दो है, एक मेल एक फीमेल है, ये ब्राउन वाला प्यार है, कोदू सा लग रहा है मोटा सा, बट डन कराओ यार ये लेते, सही है मेरा, ठीक है। The next morning.
गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग नहीं गुड आफ्टरनून, आप लोग आफ्टरनून, मेरा मॉर्निंग है कि मैं अभी भी सो बैठा हूं यार, मुझे बिल्कुल भी शर्म नाम की चीज नहीं है। कुछ शर्म आया है? खैर अभी छोटी सी बैठनी है, छोटी सी नहीं आप भी छोटी सी होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी है यार। मैं जो कल एक छोटा सा पप्पी लेके आया हूँ, सारा बीमार हो गया रात ही रात में, कल से जब से कल से आया ना कुछ खा भी नहीं रहा था उसको, जबरदस्ती सिर लेके चम्मच भर भर के खिलाए, दो चम्मच के आसपास में कुछ भी नहीं खाया, और अभी सुबह से घर में ऐसी डिंडाल पड़ी हुई एकदम, कुछ खा भी नहीं थी और कुछ पी भी नहीं और खेल भी नहीं थी। अभी खेलने कूदने के लिए मैंने उसकी एक दोस्त को बुलाया, वो भी फीमेल फ्रेंड है उसकी, मेरे एक दोस्त है उसकी उसकी गुतिया है वो, तो चलते हैं ऊपर ले गए मैं, देखते हैं क्या सीने खेलती है कि नहीं। यार ये है मेरी कोको और बेचारी सुबह से वो थोड़ा खेल रही है, भाग रही है, सुबह से आ कर डिंडाल पड़ी हुई। मैंने अपने दोस्त को बोला कि अपनी कुतिया लेके आया उसके साथ खेलेगी थोड़ा सा, ये इसके दोस्त मेरे दोस्त की, ये भी लैब रहा है भोंक रही है। हाँ भाई क्या मसला है? ये तेरी दांत काट रही है, तुम लोग को दांत काटने को मैं ही मिलता हूँ पीछे, चल स्वीटी कोको ए इधर बारह कहाँ जा रही है अंदर है, इधर बात इधर इधर खेलो इधर गले मिल रही है। भाई खेल ना भाई उसके साथ खेल, उसके क्या कर रही है ये, वो क्या हुआ है हैं कोको, इसको दांत मार रही है भाई, ये खेल नहीं रहे यार आपस में। कोको स्वीटी ए बच्चे इसी कदम में यार, इसको मैं लाया था उसके साथ खेलने के लिए, पर ये खेल नहीं रहा उसके साथ, खेल नहीं रही बिल्कुल भी कुतिया है भी तो खैर इसको दे गया थे वापस, जिससे लेके आए थे, लेके आए थे मेरा दोस्त था वो लेके आया था घर पे, वो घर पे गया तो उसको घर पे देने के लिए जा रहा हूँ। A few moments later यार ये उल्टियाँ कर रही है यार, वो देखो उसने उल्टी कर दी। हमारे पास अब एक ऑप्शन है कि इसको चेंज करवा कर लिया है या इसको डॉक्टर के पास लेके जाए, डॉक्टर से बात तो करी पर डॉक्टर कह रहे कि लाल दिखा दो, ये तो चेंज करवा लेते हैं यार, क्या सीन है देखते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे टेंशन हो रही इसको देख के, उल्टियाँ सुबह से उल्टियाँ कर दी कुछ खा भी नहीं देखता। आओ मामा चेंज ही करवाते आते स्वागत, चलो पापा नीचे चला गया, चलते हैं लेके जाते चेंज ही करवा लेते, इसके इसके नस्ल का कोई और ले लेंगे यहाँ, तो फिर इसके अलावा कोई और ले लेंगे यार, बस में वो नहीं रखने बेचारा ये एक साल ही बात है यार, अगर उसको कुछ हो गया तो फिर अलग टेंशन वाली बात है, बीमार हो गई यार ये भी, अभी भी उठी सो के सुबह से उल्टियाँ कर दी, बट ठीक है यार चेंज करवाते पापा, आज चेंज करवा के ले आते हैं। एक तो इतनी ज़्यादा सुस्ती हो रही है, कुछ एक्टिव भी नहीं है ये, और ये उस पर से मुँह धुलवा धुलवा के थक गया इसका, आ हो गया कचरा भी आ रहा है इसकी, नज़र लग गई है यार इसको। कोको क्या हुआ है? मेरे मम्मा लोग कोको को लेकर चले गए, उसकी तबीयत वगैरह थोड़ी खराब थी, थोड़ी एक्टिव नहीं थी, बहुत ज़्यादा बीमार बीमार सी लग रही थी, उल्टियाँ कर रही थी और कुछ खा पी भी नहीं रही थी, तो मैंने मम्मा को पापा को जाके इसको चेंज करवा देते हैं, या इसको दे के कोई और ले लेंगे, या तो पैसे वापस लेके आ जाओ, हम कहीं और से जाके कोई और कुत्ता ले आएंगे। कुत्ता रखने का दिल तो चाहता है, भालू की बहुत याद आ रही थी बेचारे को, इतने दिन हमने पास रखा और उससे कुछ दिन बाद वो चला गया, कुछ दिन बाद नहीं कल रात की बात है, मैं जिम के लिए निकला हूँ और कहीं गेट खुला रह गया, ग्रिल यहाँ से खुली रह गई और यहाँ से बाहर निकल गया, यहाँ से जब नीचे गया और नीचे जाने के बाद तो कहीं गली में निकल गया और गली में किसी ने उठा लिया, किसी को भी नहीं पता, उसको बहुत ज्यादा ढूंढना। अब देखते हैं मतलब कौन सा कुत्ता लिखेंगे, मुझे भी नहीं पता है, बस कोई अच्छा ही हो यार, प्रे करना जो भी हो पल जाए तो अच्छा रहे यार। ओके मेरे फेस कलर मेरी बॉडी कलर को हमेशा इग्नोर करना, ये उस दिन पिकनिक की वजह से धूप ज्यादा नहीं गई, सारा सारा मेरा कलर खराब हो गया, पूरी बॉडी कलर मेरा खराब हो गया, पिक्चर में भी आपने देखा होगा, जहाँ बनियान थी वहाँ सेट था और जहाँ नहीं थी वहाँ सारा कलर मेरा उड़ गया। खैर यहाँ पे करते हैं लोग कैंड, कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ करना, बुरी तो लगी होगी और मेरे रिश्तेदारों को लगी होगी, मैंने किसी भी अच्छे रिश्तेदारों को कोई रोस्ट नहीं करा, कुछ नहीं बोला, जितने भी अच्छे रिश्तेदार हैं इनके साथ अच्छे से मैं बात करता हूँ, घुल मिल के बात करता हूँ, उनको पता होगा वो सारे के सारे यहाँ रहते हैं, और जो बुरे हैं वो हो उनको मैं बोल सकता हूँ कुत्ता बिल्ला जो मर्जी बोल लो कम है। तो खैर जितने भी अच्छे रिश्तेदारों को कोई जो वो नहीं करना है ठीक है ना, वो बुरा मत मनाना, फिर भी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ करना, अच्छी लगी तो सिर्फ प्यार करते रहना, दिल से लव यू, गिरी जुन बुरा प्यार, अल्लाह हाफिज़।